गुड इवनिंग क्लास। हम लोग का वर्ल्ड मैप का सीरीज चल रहा है, जिसमें से हम लोग अभी देख रहे हैं ईस्ट एशिया कंट्री देख रहे हैं। इसमें से हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि चाइना के लोकेशन और उसको मैप में देखे थे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि चाइना जो है बहुत सारे द्वीप आइलैंड को देश को उन्होंने कब्जा कर रखा है। जैसे पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे कि ये जो तिब्बत है, आप यहाँ देख रहे हैं ये तिब्बत, ठीक है, तिब्बत को उन्होंने ले लिया, ठीक है। तिब्बत जो है वो तिब्बत को उसने मिला लिया। अब यहाँ ये जो ताइवान है, ठीक है, ताइवान यहाँ पे ताइवान है, यहाँ हांगकांग है, हांगकांग देखिए, हांगकांग, ताइवान, हांगकांग, ये आपका यहाँ हांगकांग, मकाओ, हांगकांग, मकाओ, सारे देश को। और द्वीप की बात करें तो ये द्वीप यहाँ देखिए, ये पैरासल द्वीप, पैरासल द्वीप, हेनान द्वीप, स्पाटली द्वीप, और एक यहाँ पे कृत्रिम बनाया है, कृत्रिम द्वीप बनाया है। पिछले क्लास में आपको बताया थे, अगर आप पिछले क्लास में नहीं देखे हैं तो प्रीवियस क्लास में जाएं और प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में आप देखें आपको सब सारे सिक्वेंस से वीडियो मिल जाएंगे, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री करके, ठीक है, वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज, ठीक है। और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे इसने कब्जा कर रखा है। अब ये जो दिख रहा है सागर, दिख रहा है महासागर, दिख रहा है, इसे साउथ चाइना सी कहते हैं, ठीक है। इस पे अपना कब्जा बताता है, चाइना है, इस पे अपना कब्जा बताता है साउथ चाइना सी को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख लिए पारासल द्वीप कहाँ है, पारासल एरा है, पारासल, स्पाटली, हेनान द्वीप है ना, मकाओ ये रहा, हांगकांग है, और ताइवान ये रहा, ठीक है। तो ये सारे, ये सब जो हैं, ये सब को चाइना इस पर कब्जा करता है। जिसमें से अब देखेंगे यहाँ पे कि जो ताइवान है, ताइवान है, इस ताइवान को चीन जो है वो एक देश का दर्जा नहीं देता है, देश का दर्जा नहीं देता, देश की दर्जा, ठीक है, इसे देश नहीं मानता है, चीन इसे देश नहीं मानता है, ठीक है, नहीं मानता। अब देखिए इसमें कहानी क्या है कि ये जो ताइवान है, ठीक है, यह स्वतंत्र देश है, ताइवान जो है एक स्वतंत्र देश है, परंतु चीन इसे अपना विद्रोही राज मानता है, चीन जो है, जो चीन है इसको विद्रोही देश मानता है अपना, और चीन इसे देश का मान्यता नहीं देता है, ठीक है। जो देश चाइना के साथ रिलेशनशिप रखेंगे उनको ये मानना पड़ेगा कि ताइवान एक देश नहीं है, खुद अपने आप को एक दर्जा देता है कि वो ताइवान देश है, और दूसरों को भी बोलता है कि उसे ना दर्जा दें देश की, ठीक है। जब चीन 1949 में साम्यवादी बना, जो चीन जब था, यहाँ देखिए चीन है, चीन क्या हुआ कि 1949 में ये क्या बना, साम्यवादी बना। जब चीन साम्यवादी बना तो यह पूंजीवादी था, ताइवान क्या था, पूंजीवादी था, ठीक है, ये क्या था, पूंजीवादी था, जिसके कारण से अलग हो गया है, ठीक है। 1949 में साम्यवादी तो कौन था, चीन था, और ये क्या था, पूंजीवादी था, जिस कारण से ताइवान अलग हो गया, ताइवान की राजधानी ताइपे, ठीक है। देखिए इसके बाद देखते हैं कोरिया, कोरिया कहाँ है, देखिए कोरिया रहा आपका ए, यहाँ ए रहा कोरिया, कोरिया दो हैं, कोरिया कितने हैं, दो हैं, पहले कोरिया एक था, कोरिया भाग देखेंगे यहाँ पे, ये कोरिया पूरा भाग था, ठीक है। तो कोरिया बाद में टूट के दो भाग में जाता है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। कोरिया एक क्या है, प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप हम आपको बताया थे कि प्रायद्वीप क्या है,
आप प्रीवियस वीडियो में जाएं वहाँ पे, और वहाँ पे देखें कि क्या है। उसमें बहुत सारे आकृति बताए थे, द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप, अंतरिप, मैं सारा बता चुका हूँ पहले, ठीक है। तो आप प्रीवियस क्लास से स्टार्ट से देखें, वो जो वर्ल्ड मैपिंग का सीरीज जो चल रहा है वहाँ से स्टार्टिंग से देखें। तो देखिए प्रायद्वीप क्या है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। प्रायद्वीप होता है कि वह भूमिखंड, वह भूमिखंड जो जल से तीन ओर से घिरा हो, एक दो तीन, ये प्रायद्वीप है ना, एक प्रायद्वीप है, तीन ओर पानी से घिरा हो। जब कोई एक लैंड मास तीन ओर से वाटर बॉडी से घिरा हो, बड़ा लैंड मास, अगर छोटा लैंड मास होगा तो कहलाएगा वो हमारा अंतरिप्ष, अब बड़ा लैंड मास हो कहलाएगा प्रायद्वीप, ठीक है। अब पिछले वीडियो में जाए वहाँ पे देखें, है ना, आपको सब मिल जाएगा। तो ए हमारा क्या है, कोरिया प्रायद्वीप, कोरिया प्रायद्वीप उत्तर में जो है, ऊपर ऊपर में जो उत्तर में है उसको कहते हैं उत्तरी कोरिया, और नीचे है दक्षिण कोरिया। तो बात करते हैं अभी हम लोग उत्तरी कोरिया स्टार्ट। तो उत्तरी कोरिया जो है उसकी बाउंड्री शेयर करती किससे, चीन से। उत्तरी कोरिया ए शेयर करती है चीन से, दक्षिण कोरिया का शेयर नहीं करता है। तो उत्तरी कोरिया का भाग जो है चाइना से बाउंड्री शेयर करती है, उत्तरी भाग उत्तरी कोरिया है। और जो देश है ये परमाणु से, परमाणु अस्त्र से संपन्न है, परमाणु से ये संपन्न है और चीन के बाउंड्री से शेयर करता है। और ये क्या है, चीन का दोस्त है, चीन का ये क्या है, दोस्त है, मित्र है। देखिए यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, परमाणु संपन्न, इसके पास इसने परमाणु बम बना रखा है, ठीक है। और ये जो चीन के बॉर्डर से शेयर करता है तो ये क्या है, चीन का एक दोस्त है उत्तरी कोरिया। और उत्तरी कोरिया क्या है, एक गरीब देश है, उत्तरी कोरिया जो है क्या है, एक गरीब देश है। और इस क्या क्या कर रखा है, इसने बम बना रखा है, परमाणु बम। अब बात करते हैं दक्षिण कोरिया का। तो उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया को जो डिवाइड करता है, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया को डिवाइड करता है, तो डिवाइड करने वाली जो रेखा है कौन सी है, 38 डिग्री समांतर, 38 डिग्री समांतर रेखा, समांतर रेखा। तो 38 डिग्री समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को डिवाइड करती है, अलग करती है, ठीक है। आपको बता दिए हैं कि उत्तरी कोरिया जो है चीन का एक दोस्त है, गरीब देश है, और ये परमाणु संपन्न देश है, परमाणु बम बना लिया इसने। बात करते हैं दक्षिण कोरिया का। दक्षिण कोरिया ये दक्षिण में स्थित है और ये जो है एक विकसित देश है, और ये बिल्कुल शांत स्वभाव का है, जैसे ये पागल जैसा करते रहता है उत्तरी कोरिया, ऐसा नहीं है। दक्षिण कोरिया बिल्कुल शांत स्वभाव का है और ये बिल्कुल विकसित है, विकसित देश है। और ये पता संबंध किससे रखता है, ये अमेरिका से रखता है, अमेरिका से, ठीक है। हांगकांग जो था ये स्वायत्त शासी क्षेत्र, यह स्वायत्त शासी क्षेत्र जो है ये पहले ब्रिटेन के कब्जे में था, ठीक है। ब्रिटेन ने चीन को सौंप दिया, ब्रिटेन ने किसे सौंप दिया, चीन को, हांगकांग को, ठीक है। हांगकांग जो था स्वायत्त शासी क्षेत्र, स्वायत्त शासित क्षेत्र हांगकांग, पहले यह ब्रिटेन का कब्जा था और चीन को ब्रिटेन ने इसे सौंप दिया। अब किसके सौंप दिया, चीन को। अब ये जो हांगकांग जो है साम्यवादी और समाजवादी, साम्यवादी और समाजवादी, ठीक है, ये दो हैं, साम्यवादी है, समाजवादी के विपरीत के उल्टा, दोनों के उल्टा, साम्यवादी और समाजवादी के उल्टा ये जो हांगकांग है ये पूंजीवादी व्यवस्था यहाँ चलती है। कौन चलती है, पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, ठीक है। यहाँ की क्या चलती है, पूंजीवादी व्यवस्था। अब देखिए अब क्या होता है, तो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल क्या है, ये अलग है। जो चीन था, ये तो चीन था, तो इसे क्या अपना कब्जा कर लिया, इसे किसे, हांगकांग को।
और यहाँ का जो अर्थव्यवस्था है साम्यवादी और समाजवादी के उल्टा पूंजीवादी है। अब देखिए ये जो यहाँ का जो इसका डेवलपमेंट है, हांगकांग का डेवलपमेंट है, हांगकांग का वो बहुत तेज़ी से यहाँ पे हांगकांग का डेवलपमेंट है, यहाँ का विकास जो है बहुत तेज़ है। तो जो जिस जिस देश का जो डेवलपमेंट, वहाँ का इकोनॉमी बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है, उन सारे देशों को हम लोग कहते हैं एशियन टाइगर कंट्री, एशियन टाइगर कंट्री। अब देखिए एशियन टाइगर कंट्री में कौन कौन आते हैं, एशियन एशियन टाइगर कंट्री, जिसमें से अभी हम लोग देखते हैं हांगकांग, हांगकांग भी इसमें आता है एशियन टाइगर कंट्री। चूँकि टाइगर क्या होता है, बहुत तेज़ दौड़ता है, तो इन लोग का जो डेवलपमेंट है, इनका जो इकोनॉमी है बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। इसमें एशियन टाइगर कंट्री में चार देश आते हैं, एशियन कंट्री टाइगर में चार देश आते हैं। कौन कौन चार देश आते हैं यहाँ देखते हैं। सबसे पहली बात तो हांगकांग, पहला हम लोग पढ़ रहे हैं हांगकांग, तो पहला आता है हांगकांग, हांगकांग, ठीक है, पहला हांगकांग। दूसरा साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। तीसरा ताइवान, ताइवान। और चौथा है सिंगापुर, सिंगापुर। तो ये चार देश हैं, हांगकांग, साउथ कोरिया, ताइवान और सिंगापुर। ये देश देश बिल्कुल छोटे हैं, बिल्कुल छोटे हैं। अभी हम लोग पढ़े नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कोरिया पढ़े, इसमें से साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं, नॉर्थ कोरिया तो गरीब देश है और उसका परमाणु बम बना लिया, तो वो नहीं है, साउथ कोरिया है, ठीक है, साउथ कोरिया। अभी हम लोग के हांगकांग और एक ताइवान देखें, जिसे ताइवान को जो चीन है उसे देश का दर्जा नहीं देता है, और एक सिंगापुर है, ठीक है। तो इसे हम लोग लोकेशन मैप में देखते हैं कहाँ कहाँ है। देखिए यहाँ पे चार हम लोग देख लिए ना, एशियन टाइगर कंट्री में आते हैं। एशियन टाइगर कंट्री में तो कहने का सेंस है जिनका डेवलपमेंट, यहाँ का इनका विकास काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, इनका डेवलपमेंट, डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ है, और यहाँ का जो इकोनॉमी, इकोनॉमी भी है बहुत हाई है, बहुत तेज़ रहता है इनका। अब मैप पे देखने की कोशिश करते हैं ये देश कहाँ कहाँ है। अभी हम लोग देख लिए थे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जिसमें से हम लोग साउथ कोरिया देखिए, अभी ये साउथ कोरिया है, यही है साउथ कोरिया, ये साउथ कोरिया है। इसी का जो डेवलपमेंट है, इसकी विकास काफ़ी तेज है, इनकी कंपेयर किया गया है एशियन टाइगर से। तो देखिए ये पहला है साउथ कोरिया, दूसरा बात करें तो हांगकांग, हांगकांग, हांगकांग आपका यहाँ है, ये रहा आपका हांगकांग, हांगकांग ये। उसके बाद ताइवान, ये ताइवान, तीन हो गए, और एक चौथा बच गया कौन, सिंगापुर। तो सिंगापुर आपको कहाँ मिलेगा, सिंगापुर आपको यहाँ मिलेगा, देखिए ये रहा सिंगापुर। हम लोग साउथ ईस्ट कंट्री में पढ़ चुके हैं सिंगापुर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चार देश हैं जो एशियन टाइगर कंट्री में आते हैं, एशियन टाइगर कंट्री में, एक दो तीन चार, ये एशियन कंट्री टाइगर में आते हैं। कौन कौन आते हैं, हांगकांग, हांगकांग कहाँ है, हांगकांग में पे रहा, हांगकांग, साउथ कोरिया यहाँ रहा, ताइवान यहाँ रहा, और आपका फिर बच गया सिंगापुर, ये आपका यहाँ रहा, ठीक है। तो एशियन टाइगर कंट्री में चार देश आते हैं।